बिस्मिल रखम रही स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर अच्छा मैं इसके बारे में तो बताती हूँ आपको लेकिन मैं एक बात बता दूँगी इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ पढ़ लो फिर मैं आपको समझाती हूँ डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इंडेक्स इंडेक्स नंबर डेफिनेशन इट द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल इट ऑफन द चेंजेस ये क्या करता है चेंजेस को मैयर करता है कॉस्ट ऑफ़ लिविंग ऑफ अ पर्सन या तो कॉस्ट ऑफ़ लिविंग जैसे कि इंसान रह रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है या ग्रुप ऑफ पर्सन की क्या है हैविंग आइडेंटिकल टेस्ट जिनके तकरीबन टेस्ट जो है मिलते जुलते हो तो ये इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कि इट मैर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग आइडेंटिकल टेस्टेज अब स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर है अ कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर इट्स आल्सो शोज बाय सी पी आई मीन कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर ठीक है is designed to measure changes in the composite price of specified basket of goods and services during the given period as compared with the base year uh, student though CP may, CPI make word use the have basket, but it's also specifi specified that basket mean in which we have the goods and services. सो वी यूज द वर्ड ऑफ बास्केट अब हमारे पास क्या होता है कि कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर वी आर कंपेयरिंग दैट वी हैव वन बास्केट इन विच वी हैव द लॉट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर है इस डिज़ाइन टू मेयर देंजेस इन कम्पोजिट प्राइज ऑफ द स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग द गि पीरियड एज कम्पेयर विद ईयर क्या हमारे पास इस बास्केट में जो गुड्स एंड सर्विस होते हैं हम एक स्पेसिफाइड पीरियड लेते हुए जो गिवन ईयर होते हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है उसमें क्या इफेक्ट um, पड़ा है वो हम देखने के लिए द सो कॉल्ड बास्केट वुड बास्ट वेरियस कमोडिटीज एंड सर्वे इन द बेस पीरियड और एज द गिवन पीरियड ग्रुप अंडर द मेन है स्टूडेंट अब ये जो बास्केट है जिसमें हम क्या कहते हैं कि वी हैव द बास्केट इन कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर बट इन विच बास्केट वी हैव द गुड्स एंड सर्विसेज बट वो गुड एंड सर्विसेज जो हैं उनमें हमारे पास डिफरेंट मेन हेडिंग्स आ जाती हैं जिनकी हम क्या करते हैं प्राइजेज Uh, को क्या करते हैं मैयर करते हैं उनको uh, हम डिफाइन करते हैं ताकि हम हमें पता चले कि जो हम uh, हमारी जो सोसाइटी है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं कि कंज्यूमर जो यूज़ कर रहे हैं कमोडिटीज़ या सर्विसेज जो ले रहे हैं तो उसके लिए क्या पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है तो, तो दैट्स यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट तो हम क्या कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज हम ले रही हैं उसमें हम कहते हैं कि फूड एंड बेवरेज आ सकते हैं क्लॉथिंग आ जाता है फ्यूल एंड लाइटिंग आ सकता है हाउसिंग एज सर्विसेज हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है हम कहते हैं कि इट मैर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग द दल टेस्ट फॉर गुड्स अच्छा अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो हम उसको कहते हैं हाउस होल्ड बजट प्राइस भी कहते हैं और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर कहते हैं अच्छा स्टूडेंट हाउस होल्ड बजट इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं देखिए वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुड कमोडिटीज सर्विसेज अब इसमें हम गुड्स में क्या ले रहे थे हम ले रहे थे जी फ्यूल लाइटिंग ठीक है क्लॉथिंग एक्स्ट्रा जो भी चीज ले रहे हैं तो देखें ये हमारे पास क्या है कि आ, हमारे पास हाउस होल्ड बजटिंग हम इसको कहते हैं इंडेक्स नंबर भी कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं हाउस होल्ड बजटिंग इंडेक्स नंबर आप इसको हाउस होल्ड बजटिंग इंडेक्स नंबर भी कहते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हमें क्या बताते हैं कि वी सपोज वी हैव द बास्केट कि हमारे पास एक बास्केट है इन विच वी हैव द गुड्स एंड सर्विसेज और हमने क्या करना होता है जिस तरह फ्यूल लाइटिंग क्लॉथिंग एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं हाउस होल्ड बजटिंग में तो हम इनको क्या कहते हैं इनकी प्राइजेस को मालूम करते हैं इससे जैसे हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि इट मयर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग परसन कि हम उन जो कॉस्ट ऑफ़ लिविंग ऑफ द पर्सन है और ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी चेंजेस को मैयर करते हैं ठीक है, है? तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर अब स्टूडेंट अगर हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के जो स्टेप्स हमने लेने हैं फॉर मेकिंग द कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर तो वो क्या होने चाहिए तो फोर स्टेप्स हैं मैं लिख देती हूँ और फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ आपके पास फर्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है स्कोप अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें क्या बताएगा सेकेंड स्टेप जो हमारे पास आ जाएगा वो हम कहते हैं कि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी इंक्वायरी आपके पास क्या है कि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है इट्स द सेकेंड नेम ऑफ हाउस होल्ड बजटिंग इंडेक्स नंबर अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम इसे क्यों कहते हैं थर्ड हमारे पास आ जाता है पीस डेटा एंड फोर्थ वन इज द लास्ट वन कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स कि इस इंडेक्स uh, नंबर को हम कम्प्यूट कैसे करते हैं मालूम कैसे करते हैं तो कंपटिशन ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा इंडेक्स अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कोप अच्छा स्कोप हमारे पास क्या है फर्स्ट स्टेप इज टू क्लैरिफाई स्पेसिफिक द कैटेगरी ऑफ द पीपल एंड लोकेलिटी वेयर द पीपल आर लिविंग ठीक है हमें सबसे पहले क्या बताना है कैटेगरी ऑफ पीपल स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पीपल एंड लोकेलिटी हम इसमें क्या करते हैं स्पेसिफाई कैटेगरी कैटेगरी ऑफ पीपल पीपल और लोकेलिटी स्टूडेंट ये नेम से ही हमें पता चल रहा है देखिए हमने स्कोप सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है हमने देखना है कि हमने स्पेसीफाई कर स्पेसिफाइड करना है <coughs> सॉरी कि वहाँ कैटेगरी ऑफ पीपल क्या है लोकेलिटी क्या है कि आप के जो पीपल हैं उनका uh, क्या है कि स्कोप कितना है ठीक है वो क्या खर्च करते हैं वो किस लोकेलिटी में रह रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं अर्बन में रह रहे हैं तो दैट्स मीन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ पीपल एंड लोकेलिटी हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियर क्लियरली स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ़ पीपल एंड द लोकेलिटी वेयर दे डिसाइड एज अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर रिलेट्स टू अ पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन सच एज अब कैसे हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो लो सैलरीड इम्प्लॉयज़ हैं टीचर्स हैं स्कूल टीचर हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं that's all, uh, include. Student, और चीज और हम कहते हैं यहाँ फाइन करें पहले तो मैं आपको वर्ड बता दूंगी होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या होमोजीनियस स्टूडेंट होमोजीनियस मीन आपके जो पीपल uh, हैं जो उस कैटेगरी में आ रहे हैं वो एक ही जैसे हैं ठीक है थीके? तो उसको हम कहते हैं होमोजीनिय हाइड्रोजीनियस होता है कि डिफरेंट हो <laughs> तो आपने जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कहते हैं स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पीपल एंड लोकेलिटी कि हम उन पीपल्स की कैटेगरी को लैदा करते हैं क्या हाँ उस सोसाइटी में जो हम ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उसका पहला स्टेप ये क्या आपने देखना है कि वहाँ क्या स्कूल टीचर्स रहते हैं वहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहते हैं किस किस्म के लोग रहते हैं तो वो जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना आपने वो डिफाइन करनी फिर लोकेलेटी कि वहाँ लो सैलरीड लोग रहते हैं हाई सैलरीड हैं या वो जो लोकेशन है वो कैसे है तो दिस डिपेंड अपॉन द स्कोप तो ये फर्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी अब स्टूडेंट हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी एंड इट्स वीट्स अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंडक्ट अ हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल कंसर्न इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द गुज एंड सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन टू ड्राइव वेयर्स टू बी अटैच टू दैम हमने क्या करना है उन हाउस होल्ड बजटें जो हमने फाइन किया है कि कैटेगरी ऑफ पीपल है उनका हाउस होल्ड बजट देखना है उसकी इंक्वायरी करनी है ठीक है हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ पीपल है कैटेगरी ऑफ पीपल जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमने क्या देखना है कि उसका जो हाउस होल्ड बजटिंग सिस्टम है ना उसकी इंक्वायरी करनी है अब हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी में हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि पैसर से पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इनकम्स इनकम अर्नर्स कितने हैं ठीक है इनकम अर्नर्स आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस uh, सोसाइटी uh, में इनकम अर्नर ज़्यादा होंगे या जिस घर में अगर इनकम अर्नर्स ज़्यादा हैं तो वो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे और वो अच्छा अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा रखेंगे ठीक है तो हमारे पास जो इनकम अर्नर्स हैं वो देखने हैं ठीक है थीके? फिर हमने क्या करना है कि स्पेंडिंग देखनी है कि वो चीज़ों पे स्पेंड कितना करते हैं ठीक है थीके? उनकी सेविंग मालूम करनी है तो दैट्स ऑल इंक्लूडिंग इन द हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी कि हमने वो जो कैटेगरी ऑफ पीपल है ना मेन उनकी हमने देखना है कि इंक्वायरी <coughs> करनी है कि उसमें क्या आता है कि इनकम अर्नर्स कितने हैं वो सेविंग कितने करते हैं स्पेंड कितना करते हैं तो दैट्स इंक्लूडिंग इन द इनकम अच्छा स्टूडेंट द इंक्वायरी ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे शुड देयर फोर इंक्लूड क्वेश्चन टू द फैमिली साइज अब देखें इसमें क्वेश्चन कुछ वो इंक्लूड करते हैं जिसमें वो फैमिली साइज के बारे में पूछते हैं इनकम के बारे में पूछते हैं नंबर ऑफ अर्नर्स पूछते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ गुड्स या मनी स्पेंड ऑन द अंडर वेरियस सच वेरियसिंग फूड बेवरेजेस क्लॉथिंग एंड दीज अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या कहते हैं कि जो हाउस और बजट इंक्वायरी है ना इसमें हमने ये तो फाइन करना होता है फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो कौन से यूज़ कर रहे हैं ठीक है क्वालिटी quantity these all ऑल इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन ऑफ़ budgeting inquiry बजट इंक्वायरी अब स्टूडेंट हम ये हाउस ओल्ड बजटिंग इंक्वायरी करते कैसे हैं क्योंकि अगर हमने एक सोसाइटी लिया है एक बहुत बड़ा एरिया हम रिकवर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है कि वहाँ हर घर में इंक्वायरी करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं वी आर यूजिंग द मैथड ऑफ साम्पलिंग हम क्या करते हैं साम्पलिंग का मैथड यूज करते हैं सैम्पलिंग का हमारे पास क्या होती है कि हम कहते हैं सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है कि सैम्पलिंग हम कैसे यूज़ करते हैं कि हम मुख्तलिफ़ एरियाज़ को डिवाइड करके उनमें से कुछ घर चूज़ कर लेते हैं जिन पे हम उनसे पूछते हैं कि आपके फ़ैमिली का साइज़ क्या है आपके इनकम ऑफ अरनर्स कहते हैं आप कैसे क्वालिटी की चीज़ यूज़ कर रहे हो यहाँ आपके पास जो क्लॉथिंग है फ्यूल है सेविंग है एंड कज़म्पन्स जो आप चीज़ें यूज़ करते हो वो आपके क्या हैं तो जब हम मुख्तलिफ घरों में से ले लेते हैं सैम्पलिंग सैम्पल के तौर पर एजे सेलेक्ट कर लेते हो हमारे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ सकती है तो हाउस और बजट इंक्वायरी है वो पॉसिबल हो जाती है अच्छा पीस डेटा स्टूडेंट इट्स अ प्राइस डेटा पीस डेटामिन प्राइस डेटा ठीक है अब ये हमारे पास क्या करता है थर्ड स्टेप इज़ टू कलेक्ट द डेटा ऑन कंजम्पन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड इन द बास्केट हमारे पास क्या है कलेक्ट डेटा कंज्यूमर प्राइज़ ऑफ़ गुड्स हमने क्या इसमें करना होता है कि जो कंज्यूमर कंज्यूमर कौन होते हैं जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को कंज्यूमर प्राइज ऑफ डेटा तो जो कंज्यूमर हमारे पास हैं वो जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं जैसे कि वो खाने फूड पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं फ्यूल पे कितनी अपनी कंजम्पशन लगा रहे हैं क्लॉथिंग पे कितना कर रहे हैं तो जो प्राइस डेटा है हमने प्राइस डेटा की इंफॉर्मेशन लेनी है इट्स अ नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप वी कैन से इट्स अ थर्ड स्टेप ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इट्स अ पीस डेटा पीस डेटा में क्या है द थर्ड स्टेप इज़ टू कलेक्ट द डेटा ऑन कंजम्पशन कंज्यूमर प्राइज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड इन द बास्केट जो आपकी बास्केट में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड है आपने उन थिंग्स uh, के आपने क्या करना है प्राइजेज कंज्यूमर प्राइज मालूम करनी है लास्ट वन कंपटिशन ऑफ द इंडेक्स अब स्टूडेंट कंपटिशन ऑफ द इंडेक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने इसको कंप्यूट कैसे करना है आपने इसको फाइंड कैसे करना है तो वी हैव द टू मेथड है हमारे पास कौन कौन से मेथड है वो हमें आपको बता दें इट्स अ लास्ट स्टेप तो ये हमारे पास क्या है लास्ट स्टेप है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक का कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है कंपटीशन ऑफ इंडेक्स जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है कंपटीशन ऑफ इंडेक्स अब स्टूडेंट वी हैव टू मेथड ठीक है हमारे पास क्या है दो मेथड है फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स मैथड हमारे पास क्या है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड सेकेंड हम कहते हैं कि हमारे पास हाउस होल्ड बजट मेथड है हमारे पास क्या है हाउस होल्ड हाउस होल्ड बजट मेथड अब स्टूडेंट हमारे पास कंपटीशन ऑफ इंडेक्स में कितने मेथड हैं एक तो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेकेंड हमारे पास हाउस होल्ड बजट अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हम आ, अपनी जो क्वान्टिटी है उसको एज अ बेस पीरियड ले लेते हैं तो जो हमारे पास फार्मूला होता है ना फॉर दी यूजिंग हम कहते थे लैसफियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर वो फार्मूला यहाँ हमारे पास यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स है उसमें हम क्वांटिटी को क्या करते हैं फिक्स कर लेते हैं नॉट हमारे पास क्या होता है फिक्स क्वांटिटी होती है ना कि आपने उस क्वांटिटी के साथ आपने फिर अदर ईयर की जो क्वांटिटी है उनको कंपेयर करने तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स है आप उसमें ये फार्मूला लगाते हो और अपनी वैल्यूज़ को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए फाइंड कर सकते हो अच्छा स्टूडेंट अच्छा हाउस होल्ड बजटिंग के लिए कौन सा फार्मूला होता है अगर हम हाउस होल्ड बजटिंग के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है तो वो हमारे पास क्या होता है स्मेशन ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई आई एंड स्मेशन ऑफ डब्ल्यू अच्छा अब इसमें डब्ल्यू क्या है स्टूडेंट W है P नॉट Q नॉट ठीक है मीन प्राइस भी फिक्स है वेट्स में एंड क्यू क्वांटिटी भी फिक्स है क्योंकि जो हमने पढ़ा था क्योंकि हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी तो हमारे पास क्या होता है हम कहते हैं कि क्वांटिटी हम अपनी फिक्स रख लेते हैं प्राइस भी फिक्स रख लेते हैं फिर जो अदर पीरियड्स हैं उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं और आई हमारे पास क्या है हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स नंबर है सीशन ऑफ पी नॉट तो ये हमारे पास क्या है हमारे पास आई आ जाते हैं तो आपके पास जो आप कहते हो कि आ, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं सॉरी इसको हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड भी करेंगे ना हाँ जी मल्टीप्लाई आई जो है वो मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड भी आएगा तो ये आई आप इस फार्मूले के तहत फाइंड करोगे डब्ल्यू आप इससे फाइंड करोगे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा और ये इन जो हम कम कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर है इनके लिए डेटा लेके एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे ये तो हमने एक थियोरेटिकली पढ़ा है बट प्रैक्टिकली भी हम सॉल्व करके बताएंगे अच्छा स्टूडेंट अब ये तो हमारे पास हो गया डिस्कशन जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है अगर हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे और जो अगर हम ये तो थोराटिकल पढ़ा अगर प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो हम उसको कैसे फ़ाइंड करेंगे ये चीज़ों हमने फ़ाइंड कर अब हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके हमारे पास ड्रॉबैक् जहाँ आप कहते हो शॉर्ट क्या हैं ड्रॉबैक्स इसके ड्रॉबैक्स तो वो हमारे पास क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहते हैं कि इट इज़ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू क्लेरिफाई, सेपरेट वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम एन सबसे पहली जो है कि हम मेरे पास क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है डिफिकल्ट सेपरेट कैटेगरी कैटेगरी ऑफ पीपल कि हमारे पास देखिए स्टूडेंट अगर हम कोई भी कैटेगरी ले रहे हैं ऑफ़ द पीपल इट्स मीन कि उसमें जितने भी लोग हैं उनकी ना तो सेविंग एक जैसी होगी ना तो उनकी कंजम्पशन एक जैसी होगी ना वो एक जैसा हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड करते हो सेविंग कम करते हो कुछ सेविंग कर, ज़्यादा करते हैं एजुकेशन पे कम खर्चते हैं कुछ फूड पे कुछ क्लॉथिंग पे ज़्यादा खर्च करते हो तो हमारे पास मुश्किल जो सबसे पहला ड्रॉबैक है हम कहते हैं कि इट इज़ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू क्लियरली सेपरेट वन कैटेगरी ऑफ पीपल फ्रॉम अन कि हम एक कैटेगरी को या हम कहते हैं कि हमारे पास लो सैलरीड हैं लो इनकम है या लो कंजम्पन है लो सेविंग पीपल्स जो हैं तो जो कैटेगरी ऑफ द पीपल है उसको सेपरेट करना सबसे डिफिकल्ट काम है इन प्रैक्टिकली ठीक है बोल तो हम देते हैं बट प्रैक्टिस करना इज टू मच डिफ़िकल्ट देन देन आप कहते हो कि एज दी कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन्वॉल्व दी सैम्पलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस सैम्पलिंग एरर्स एंड बायस में अफेक्ट इंडाइसेस। अब हमारे पास क्या है सैम्पलिंग एरर सैम्पलिंग एरर्स अफेक्ट इंडाइसेस। अब स्टूडेंट हमने जब पढ़ा था हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी तो हमने क्या पढ़ा था वी यूज द मैथड ऑफ सैम्पलिंग साम्पलिंग क्या होता है कि साम्पल इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से आप कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल या हाउस होल्ड जो हैं वो सिलेक्ट कर लेते हो और उन पर आप इंफॉर्मेशन उनसे हासिल करते हो तो जो साम्पलिंग है उसमें हमारे पास क्या होता है कि एरर्स आ जाते हैं ठीक है तो एरर जो है वो फुल डेटा तो तो को क्या करता है अफेक्ट करता है तो जो, जो हमारे इंडाइस हैं जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें हमारे पास क्या हो जाता है एरर आ जाता है यूजिंग द सेम्पलिंग मैथड थर्ड हमारे पास जो हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ सर्टेन गुड्स इट्स इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट प्राइजेज एक्चुअली नीडेड ठीक है अब हमारे पास क्या है कि डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्राइजेस क्लेक्ट प्राइजेस कलेक्ट प्राइजेस वी नीडेड अच्छा इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ वो कहते हैं कि इट इज़ डिफिकल्ट टू तो कलेक्ट प्राइजेज भी नीडेड अब देखें अगर हमने क्लॉथ की हमने ली है प्राइस हम किसका डेटा कलेक्ट करें कि आपकी जो कंजम्पशन है जो कंज्यूमर है वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं ऑन द कि वो कितना यूज कर रहे हैं अपनी मनी को क्लॉथ पे ठीक है बट वी आर टेकिंग ओनली क्लॉथ क्लॉथ मनी ठीक है हम टेलर्ड क्लॉथ नहीं लेते ठीक है टेलर क्लॉथ कि हम बात कर रहे होते हैं सिर्फ कपड़े की कि हमने जी बाजार से कपड़ा ले आया तो जो लोग हैं वो इतने कपड़े लेकिन हमने बात कभी भी नहीं की कि सिले सिलाए कपड़े क्योंकि देखें जब कपड़ा हम लेंगे तो यकीनी बात है उसको हमने सिलाना भी है टेलर के पास भी जाना है ठीक है तो हम प्राइस ले लेते हैं क्लॉथ की बट नॉट इंक्लूड करते हैं टेलर प्राइस तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि डिफिकल्ट कलेक्ट प्राइजेज़ वी एक्चुअली नीडेड कि एक्चुअली जो हमें प्राइज़ नीड है हम वो कलेक्ट नहीं करते और दूसरी कलेक्ट करते रहते हैं तो जो क्लॉथ की मैंने एग्जाम्पल दे दी है कि हम क्लॉथ की तो ले लेते हैं प्राइज ठीक है लेकिन हमें सिर्फ हमने क्लॉथ ले रखना तो नहीं है संभाल के उसको सिलवाना है पहनना है तो जो उसके ऊपर का खर्चा होता है एक्चुअली जो हमें

क्वालिटी अब स्टूडेंट ये वर्ड क्यों आ जाते हैं देखें हम एक बेस पीरियड को फिक्स कर लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में बट आप कहते हो टाइम टू टाइम क्या होता है हमारे पास गुड्स चेंज होती हैं उनकी क्वालिटी चेंज होती हैं सब्सटीट्यूट हो जाती हैं गुड्स तो वो चीज़ हम इसमें जो है काउंट नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का देन फिफ्थ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस होल्ड बजटिंग इंक्वायरी द पीस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड देयर डिमांड में चेंज एंड कमोडिटीज हाँ ये हमारे पास है कि हमारे पास जो प्राइज गुड्स ऑफ सर्विसेज की जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो चेंज होती है आप स्टूडेंट इसकी मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ जिस तरह आप कहते हो कि आपने जी आ, समर आ गया है ठीक है गर्मियाँ आ गई हैं सर्दियाँ आ गई हैं आपने उनमें ठीक है हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड्स चेंज हो जाएंगी ठीक है हो सकता है गर्मियों में वो लॉन्न के कपड़े ज़्यादा यूज़ करें सर्दियों में वो हो सकता है स्वेटर्स वगैरह पे ज़्यादा खर्च करें इतना कपड़ों पे नहीं जितना वो अदर चीज़ों पे खर्च करें तो जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है ना वो चेंज होती रहती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में बट हम उसको इंक्लूड नहीं करते तो ये भी हमारे पास एक शॉर्ट कमिंग है ऑफ द कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर की तो हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस और बजटिंग इंक्वायरी द Price of the goods and services and their demand may change. Some commodities may change in quality and others are disappear and some new goods may enter in the market. कि हमारे पास उस अरस में हो सकता है बहुत सारी कमोडिटीज़ जिनकी हम प्राइजेज़ नोट कर रहे हैं ठीक है वो डिसअपियर ही हो जाए उसकी जगह हम सब्सिट्यूट आ जाए कुछ न्यू मार्केट्स uh, में चीज़ें इंटर हो जाए तो दैट्स नॉट इन द कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर जो कि हम कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स लेते हुए इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अब स्टूडेंट लास्ट वन जो हमारे पास है हम कहते हैं द कंज्यूमर प्राइज इंडाज़ का नॉट बी यूज़ फॉर कंपेयरिंग द प्राइज चेंजेज इन कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस इन टू लोकेलेटीज एंड इन टू हाउस होल्ड इन द सेम लोकेलिटी एज नो कजम्पशन नॉटी द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अब हमारे पास क्या है कंपेयरिंग में कम्पेरिजन में देखें कंपेयरिंग वाली बात आ गई ना कि नो टू हाउस होल्ड नो टू अब लोकेलिटी में कि अगर आप लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो कि दे हैव द सेम स्पेंडिंग दे हैव द सेम सेविंग तो इट्स नॉट पॉसिबल है ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा कि अगर आप एक लोकेलेटी में से अगर दो हाउस भी सिलेक्ट कर लेते हो तो उनकी भी जो कंजम्पशन होगी उनकी जो सेविंग होगी वो क्या होगी इनकम होगी डिफरेंट होगी ठीक है हो सकते हैं कुछ लोग विज़िट करना मुख्तिक जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हो कुछ लोग घरों में रहना पसंद करते हो अब उनकी सेविंग तो ज़्यादा है ना वो कम खर्च करेंगे दूसरे ज़्यादा खर्च करें इसी कुछ क्लॉथिंग पर ज़्यादा खर्च करते हो कुछ काम करते हैं, कुछ फूड पे ज्यादा खर्च करते हैं, तो इन द वन लोकेलिटी में अगर हम कहते हैं कि दो हाउस होल्ड भी ले रहे हैं तो दे हैव नॉट द सेम कंज्यूमर कंजम्पशन तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो यहाँ आके फेल हो जाते हैं स्टूडेंट ये तो हमारे पास थे ड्रॉबैक्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इनशाला कल हम इसको प्रैक्टिकली डेटा लेके सॉल्व करेंगे कि जो मैथड हमने डिस्कस किए हैं उनको प्रैक्टिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट मुझे अपनी लाजिम बताया कि कमेंट में कि मैंने कैसा पढ़ाया क्या आपको समझ आ रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं अल्लाह office.